टेरी के जाज मऊ वाजिदपुर में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी और पत्थर, कई लोगों को आई गंभीर चोटें, एक की मौके पर मौत। थाना चकेरी के साथ भारी पुलिस बल PSP मौजूद। SP पूर्व राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि घटना के बाद अब हालात नियंत्रण में है और भारी पुलिस बल मौके पर है। नवभारत समाचार कानपुर उत्तर प्रदेश से दीपक दीक्षित। वो बहुत बड़े बदमाश है, सब बदमाश रहते हैं यहाँ। चेहरे तो पहचानते होंगे? हाँ, चेहरे पहचानते, कैसे पहचाने, हम लोग इतना जानते नहीं है ना। जब मारने लगे तो क्या इंसान का चेहरा पहचानने वाले पहले क्या पहले ये बताइए। नहीं, पहले कभी ऐसा घटना एक चक्कर हो चुका है पहले, तो उसकी शिकायत करी थी। हाँ, पहले भी हो चुकी, पहले भी ऐसा पैसा लेकर छोड़ दिया गया। किसने? अब जितने भी लिया हो। कहाँ पे शिकायत करी थी? चौकी पे। कौन सी चौकी पे? अच्छा, आज राजमल चौकी। आज ये बताइए कि पूरी घटना क्या हुई थी? पूरी घटना क्या? हम लोग तो खरीद पे थे, हम लोग बाहर निकले तो सबको मार रहे थे। कौन मार रहा था? उन्हीं लोग वालों, मुसलमानों ने। कितने लोग थे वो? बहुत लोग थे। और ये कितने थे? हम लोग दो तीन लड़के थे, ज्यादा नहीं थे। किस बात पे? किस बात से हुआ? अब यही तो बात है, हम लोग घर से निकले तो बस सबको मारना ही पड़े थे, सीधे बस उसको मार के एकदम छोड़ के चले गए। अच्छा, आप लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ? हाँ, हम लोग नहीं समझ पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो क्या हुआ, हम लोग उस लड़के को पीछे पड़ के लोग मार मार के फिर घुस गए घर के अंदर। अच्छा, उसके बाद उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस सही से खड़ी थी, आ गए तो हम लोग को भगा रही है, कह रही तुम लोग को मार देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या, पुलिस ऐसे घूम रही है, कुछ नहीं हो रहा। हम लोग को अंदर बंद कर रहे हैं सबको। शाम लगभग 7:30 बजे थाना क्षेत्र चकेरी के वाजिदपुर गांव में संदीप और पिंटू निषाद जो है अपने घर से बाहर की तरफ जा रहे थे। उसी बगल की एक गली में रहने वाले अमान को उनके एक जो सड़क पर पाउच पड़ा था पानी का, उसके छींटे पड़ जाने के कारण उनमें आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके अमान और उसके साथियों ने उनको मारा पीटा। इसकी सूचना पर जो है गाँव के और लोग भी इकट्ठे हो गए और आपस में कहा सुनी हुई, कुछ लोगों ने ईंट पत्थर भी चलाए हैं। इसके बाद जो है अमान जब पुलिस को वहाँ पहुंचे, सूचना पर पुलिस के पहुंचने के उपरांत दोनों पक्ष अपने अपने भाग गए हैं। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी FIR पंजीकृत हो रही है। मौके पर PSC और पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस बल के पहुँचने के उपरांत वहाँ पर शांति है। लड़के की मौत हो गई है अस्पताल में। दौरान इलाज जो है पिंटू को जो चोटें लगी थी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है और इस कारण से वहाँ पे PSC और पुलिस बल का व्यवस्थापन भी गाँव में किया गया। स्थिति वहाँ पे कुछ? पुलिस के पहुँचने के बाद वहाँ किसी प्रकार का पथराव नहीं हुआ है, स्थिति सामान्य है। एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस बल का व्यवस्थापन किया।